بسم الله الرحمن الرحيم लक मेरे दिया थुम्मा वो जगते न्याण कहिया अहले हदीस मसलक मनियाए खुण ते कहिया मसलक मेरे दिया थुम्मा वो जगते न्याण कहिया एक हाथ बिच साडे फड़िया होया कुराने एक हाथ बिच साडे थड़िया होया कुराने दूजे हाथ बिच हदीस प्यारी मुस्तफा दा फरमाने इन्हां दोवां नूं जिसने मन्या समझो तरन गईया मसलक मेरे दिया थुम्मा الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم
منكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے ते कोई तरसे तन दियां कपड़ियां तो ते कोई खा खा के मगरूरे एक गल नू याद तो रखा बिद हर एक ने मरना जरूरे हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह जल्ल शानहू दी जात अकदस वास्ते है दरूदो सलाम आकाए कायनात सैयदुल अव्वलीना वल आखिरीन इमाम आजम इमाम कायनात امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم جس دور تو اس وقت میں اور تسی گزر رہے ہاں بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی پرفتن دور ہے اللہ دے عذاب ہر پاسیوں ساڈے اتے انہاں دے بادل منڈلا رہے کتے کرونے دا عذاب ہے اور کتے مہنگائی دا عذاب ہے اور کتے تفرقہ بازی دی اگ گرم ہے اور کتے غربت دا فتنہ ہے لوگ اپنے بچیاں نو غربت تو تنگ آ کے نہراں چ سٹ دے پے ایک رپورٹ آئی ہے اودے مطابق کچھ دن پہلا ایک علاقے دے اندر تین مربع زمین جڑی ہے نا گندم دی او تین مربع گندم نو اگ لگ گئی تین دے تین مربے جل کے راکھ ہو گئے یہ سارے اللہ دے عذاب ہی نے تسی جنے بندے بیٹھے ہو کوئی ایک بندہ بھی تواڈے چ ایسا نہیں کہ جڑا کسے فتنے چ مبتلا نہ ہوئے کسے ازمائش مبتلا نہ ہوئے کسے پریشانی چ مبتلا نہ ہوئے ہر بندہ چاہندا ہے بلکہ پوری قوم چاہندی ہے پوری امت مسلمہ چاہندی کہ اسی ان عذاباں چوں نکلیے اسی خوشحالی دے دن ویکھیے لیکن دن با دن عذاب ود دے چلے جاندے نے فتنے ود دے چلے جاندے نے امیر امیر تر ہوندا جاندا ہے غریب غریب تر ہوندا جاندا ہے دعاواں بھی بڑیاں کر کے ویکھیاں نے
मूँह ते मास्क भी बड़ा पा के वेख्या है, समाजी फासला भी रख के वेख लिया है, आइसोलेशन भी करके वेख लिया है। हुण दो काम रह गए ने, आपां वो दो काम करिए। पहला काम तो ये करो भी जड़ी शह 100 रुपये की लियांदे हो ना, वो 100 दी वेच के वेख लो खपरा, ते जड़ी शह जिन्ने दी लियांदे हो उन्नी दी वेच के वेख लो, ते नाल झूठियां कसमां चुकणियां छड़ दिओ। असी दुआवां में कीती जाने आ ते ठगियां भी मारी जाने आ, असी दुआवां में कीती जाने आ ते नाल नाल असी झूठ भी मारी जाने आ। इंसानियत दा कतल भी जारी है, ईमानियत दा बेड़ा भी गर्क हुंदा पिया है, नाल नाल तौबा भी हुंदी पई, इंज ते गल नहीं बननी। एक ते असी बंदे बन जाइए सही इंसान, ते दूसरा जिहड़ा काम रह गया ना करन वाला, वो बड़ा प्यारा काम है। जिवें हुकूमत मास्क लवाण ते तवज्जो दिला रही है ना, किते हुकूमत इस काम ते तवज्जो दिलाए ना ते अल्लाह जानदा सारे अदाब टल जाण, ते इस काम दा नाम है इस्तिगफार। केड़ा काम है? बोलो। खुतबा जुमातुल मुबारक में खतीब बुलाए तो बोल लेना चाहिए, आपस में नहीं बोलना चाहिए। केड़ा काम है? इस्तिगफार। ये बड़ा वड्डा काम जे, ये बड़ा वड्डा अमल जे, ये एडा वड्डा अमल जे, ये एडा जबरदस्त काम जे कि नस्ल इंसानी की तारीख दस दिए कि अल्लाह की जमीन ते अल्लाह दा जदों भी अजाब आया, अल्लाह दे अजाब नू दुनिया की कोई ताकत रोक सकी नहीं। जिहड़ा भी अजाब है, मैं मिसाल देना तुहानू, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोल परौणे आए, मेहमान आए, है सन फरिश्ते ते इंसानी शक्ल अंदर आए, यानी उतों उतों बशर सन ते विचों विचों नूरी सन। ते हज़रत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाल जदों उन्हां दी पहचान हो गई, गल्लां बातां खुल गईयां, ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुछा भी आए क्यों जे? वो कहन लगे जी दो काम लैके आए हैं, एक ते तुहाडे लई खुशखबरी लैके आए हैं कि अल्लाह पाक तुहानू बुढ़े बारे पुत्र अता फरमाएगा, ते दूसरा एक अजाब लैके आए हैं समूदियां दे उत्ते, सदूमियां दे उत्ते, कौमे लूत उत्ते। ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल आदमी सन, कहंदे ने यार रहण दे, उपरां की करना उन्हां नूं अजाब दे के, ना उन्हां ते अजाब नादल करो, ना उन्हां नूं तबाह बर्बाद करो, उन्हां नूं छोड़ दिओ, मुल दे दिओ। ते अगों फरिश्ते कहंदे ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक दा कानून है कि अल्लाह पाक जदों किसे कौम ते अजाब नादल कर देण, भेज देण सानूं, फिर सानूं कोई रोक नहीं सकदा, लिहाजा आ थोड़ी देर बाद तुसी वेख्या जे कि कौमे लूत तबाह बर्बाद हो जाए। एवें चंद मिनट ही गुजरे ने पता लगा कि फरिश्ते ने पूरी कौमे सदूम की बस्ती नू चुक लिया अपने पर उत्ते, ते उच्चा लै गया, इन्ना उच्चा लै गया कि आसमान दुनिया तक पहुँच गया, और फिर उत्थे ले जा के अल्लाह दे हुक्म नाल उन्हें पूरी बस्ती नूं उल्टियां कर दिता, बस्ती दे सारे लोग धड़ाम जमीन ते गिर गए। ते फिर अल्लाह ने फरमाया हुण जमीन नूं भी सट इन्हां दे उत्ते, फिर वह पूरी बस्ती अल्लाह ताला ने उन्हां दे उत्ते सुट के उन्हां नूं तबाह बर्बाद कर दिता, यानी अल्लाह दा अदाब रुक सकिया नहीं। लेकिन एक कौम इंज दी भी मौजूद है कि उस कौम ते अल्लाह दा अजाब आया टल गया,
ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਅਜ਼ਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌਮ ਯੂਨਸ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਹਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਬੇਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈ, ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਲੈ ਲੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛੇ ਲੈ ਲੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਛੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਕਮਤ ਹੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਹੋ ਬਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਬੜੇ ਵੀ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਸਫੈਦ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸਤਗਫਾਰ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਏਡਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਸਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਗਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਅਦਾਬ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਏਡਾ ਪਸੰਦ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਬ ਟਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਸ ਇਸਤਗਫਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਜ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸਤਗਫਾਰ ਹੈ। ਆਪਕੀ ਬਸਤੀ ਗੂੰਜੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕੇ ਸਾਥ, ਘਰ ਕਾ ਹਰ ਫਰਦ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ 100 ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਫਤਵਾ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ, ਦਰੂਦ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ। ਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਈਦ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਚਰਚਾ ਆਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰਮਾਲ ਦਿਓ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸ
ਕਿਸੇ ਨੇਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰ ਮਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰ ਮਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਆਂ ਭੁੱਲ ਬੈਂਦਾ ਜ਼ਰ ਮਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਆਂ ਮਾਮ ਤਾਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰ ਮਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਆਂ ਭੁੱਲ ਬੈਂਦਾ ਉਹ ਜੋ ਪੀਂਦਾ ਜਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫਸਰੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਔਰ ਸੈਯਦਾ ਹਵਾ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਸਾਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਜੁਗਾੜ ਮਾੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦਾ ਹਵਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹਰ ਮਨਸੂਬਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨ ਬਣਾਇਆ ਪਲੈਨ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਜੁੱਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਾਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਖੂੰਡ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾਓ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਨਾਬ ਆਦਮ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਂ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਈ ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਦੇ ਬੜੇ ਜੇ ਹੈ ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਗੜੀ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਪਗੜੀ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੁੱਬੇ 'ਤੇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਜੇ ਜੁੱਬੇ 'ਚ ਲਕੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਚਮਕੀਲੀ ਖੁੰਡੀ 'ਤੇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਜੇ ਇਹ ਖੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਵੜਾਵੇਂ 'ਚ ਹੀ ਵੜਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਸਤਾਰ ਕੇ ਹਰ ਤਾਰ ਕੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮ ਕਿ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਤਾਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹਰ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜੁੱਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸੋਹਣੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮੌਲਵੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰਿੰਜ ਦੇ ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨਾ ਔਰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਗ਼ਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਇੱਕ ਹਕਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ 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 ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਗ਼ਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਾਗ ਬੜਾ ਫਲਦਾਰ
बाग बड़ा फूलदार एक बड़ा खूबसूरत दरखत है। उस दरखत उत्ते कबूतर भी बह गया ते कबूतरी भी बह गई। दोवें दरखत उत्ते बैठे हुए ने ना आपस अंदर गल्लां बातां करदे पए ने। अचानक दरखत दे नीचे इक मौलवी साहब आके बह गए। लम्मी लम्मी दाड़ी होवे ते जुब्बा बड़ा सोहना पाया होवे ते कबूतरी कबूतर नूं कहिंदी है नस चलिए उड चलिए भज चलिए। उन्हें आख्या क्यों क्यों भजना का तोए। उन्हें आख्या जिहड़ा थले मौलवी आए मैनू मौलवी नहीं लगता। ये ना होवे शिकार कर लवे शदैन जी ना वे तक कमली जी वेखते सही मुँह तो नूर किन्ना टपकदा पिया है। वेखते सही एदी दाड़ी किड्डी लम्मी है इन्हें जुब्बा किड्डा सोहना पै कमली दी। तू कहनी आपां भज जाइए शिकारीए मेरा तो दिल करदा इहदे कोल दुआ करवा ली इह ते बड़ा चंगा है। अल्लाह अल्लाह उन्हें आख्या ना ना इंज ना कर कबूतरा ख्याल कर हजे वह गल्लां बातां हुंदियां पईआं सन। उन्हें कढ़िया जनाब जुब्बे दे थलो तीर कमान ते रख के मारिया कबूतर नो पैरा चो सुट लिया कबूतर नो। अल्लाहु अकबर अल्लाह ते कबूतरी ने अदालत अंदर केस कर दिता। वक्त दे काजी दे सामने कबूतरी पेश हो गई। काजी साहब ने बुला लिया शिकारी नो। हाँ जी शिकारी साहब गल करो ना। उन्हें आख्या गल काजी करनी है मैं शिकार कीता है ते शिकार दा जवाब रब दे कुरान अंदर मौजूद है। शिकार साढ़े लिए हलाल मैं ते आराम काम कोई नहीं कीता। एक कबूतरी मेरे ते केस कादा कीता है ते काजी साहब कहन लगे हाँ गल कर कबूतरी है कादा केस कीता ही शिकार किया ते शिकार का जवाब कुरान अंदर मौजूद है। शिकार किया जा सकता शिकार हराम कोई नहीं। कबूतरी कहती है जज साहब कादी साहब मैनू भी पता है शिकार हलाल है। मोमन शिकार कर सकता है बंदा शिकार कर सकता है। अल्लाह पाक ने इजाजत दी है मैं केस इस गल का नहीं किया इन्हें शिकार का तो किया है। मैं ते केस इस गल किता है जे शिकारी ते शिकारी दे रूप अंदर आना चाहिदा है। ए है शिकारी सी मौलवी बन के आया है शिकारी सी ताड़ी वाला बन के आया है शिकारी सी नेक बन के आया ते जिहदा इहने शिकार किया वो जदों मारिया है दोहें दियां ते तरीफां पिया करदा सी। वो जिहनूं तीर मारिया ओहदे दे कोल दुआवां करान नूं फिरदा सी। हज़रात दे दी वकार की पता लगा अल्लाह की जमीन ते सब तो वड्डा जुर्म है वे बंदा मौलवियां दा रूप धारे इज्जतां लुटदा फिरे मौलवियां दा रूप धारे इज्जतां लुटदा फिरे मौलवियां दा रूप धारे ईमान लुटदा फिरे मौलवियां दा रूप धारे लोकां दियां दौलतां लुटदा फिरे। अल्लाह की जमीन ते सब तो गंदा बंदा है वे क्योंकि शैतान ने भी सब तो पहले यही काम किया है। सोहना रूप बना के आया अल्लाहु अकबर अल्लाह ते आके कहन लगा बाबा जी मैं तुहाडा खैर खावां ते मैं तुहानू एक गल दसना चाहना। फरमाया की गल है आखे शजरे ममनुआ जिस दरखत तों अल्लाह ताला ने तुहानू मना कीता है वो फड़ खा लोगे ते तुसी नूरी बन जाओगे। की बन जाओगे बोलो। और बाबा जी शेखुल कुरान फरमाया करदे सन ये बशरां नूं नूरी बनाउण दा सब तो पहले आइडिया शैतान ने दिता है। ये सब तो पहले सोच शैतान नूं आई है भी जिन्ने बशर ने इन्हां नूरी किवें बनाउणा। अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतबार ने कीता इहदी गल ते यकीन ने कीता ते मां जी हव्वा कहंदियां ने चलो मन के वेख लाउना गल जो करदा पिया है ते फिर कसमां चुगन लग पिया। कुरान कहंदा पा कसम लहुमा कसमां चुगन लग पिया कसमां चुक चुक के मनान लग पिया। चार जीड़ी दे गयूर मुसलमाना मैं तेनू गल्लां पते दियां समझांदा पिया वा पता लगा जिहड़ा बंदा बहुतियां
ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਪਰ ਸੱਯਦਾ ਹੱਵਾ ਨੂੰ ਮੁਤਮੈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਤਮੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਲ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਸ਼ਜਰੇ ਮਮਨੂ ਆਖਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਹਵਾ ਕਿਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਦਮ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਮੁਫਸਰੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਯਦ ਨਾਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਯਦਾ ਹਵਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਮਾਂ ਜੀ ਹਵਾ ਕਿਤੇ ਆਈਆਂ, ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰੇ। ਆਖਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾਤ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾਤ ਅੰਦਰ ਜਬਲੇ ਰਹਿਮਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਸੱਯਦ ਨਾਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਦਮ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਦਮ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਦਮ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਮਾਫ਼ੀ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਦਮ, ਮੈਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਨਾਦਰ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਘਲਾਉਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਖੱਲਿਆ ਆਦਮੀ ਤੇ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਖੱਲਿਆ ਆਦਮੀ ਤੇ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਜਦੇ ਨਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਜਮੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਅਦਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਅਦਾਈ। ਔਰ ਰੱਬ ਸਭ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹਾਜਤ ਰਵਾਈ, ਮੋਹਤਾਜ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ, ਮੋਹਤਾਜ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਾਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਕਾਰ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਦਮ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਖਤਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਫਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤਗਫਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 7 ਹਰੂਫ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹਰੂਫ ਨੇ ਬੋਲੋ? 7 ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤਗਫਾਰ ਦੇ 7 ਹਰੂਫ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੁੜ ਗਿਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤਗਫਾਰ ਦੇ 7 ਹਰੂਫ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ 7 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤਗਫਾਰ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ 24 ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਬੋਲੋ? 24 ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੇ ਰਾਤ
सात दे बारह कहते बारह से बारह किन्ने बन गए चौबीस बन गए लफ्ज़े इस्तगफार ते सतूब दस दिन कि सत्तां दिनां विच इस्तगफार करना चाहिए जुम्मी वाले दिन भी इस्तगफार करिया कर हफ्ते वाले दिन भी इस्तगफार करिया कर इतवार वाले दिन भी इस्तगफार करिया कर सवाल मंगल बुध जुमेरात नूं भी इस्तगफार करिया कर ते इस्तगफार दा कुरान पाक अंदर चौबीस मुकाम दियाना दसदा है चौबी घंटे इस्तगफार करिया कर उठदिया बैठदिया पढ़िया कर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह आंदियां जांदियां पढ़िया कर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बिस्तर ते लेटदियां पढ़िया कर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह खुशी ते गमी विच पढ़िया कर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर ला रब कोलो अपने गुनाहां दियां माफियां मंगिया करना अल्लाह कोलो अपनियां गलतियां दियां माफियां मंगिया करना रमजान साडे कोलों किवें जुदा हो गया है सानू पता ही नहीं लगन दी तत रब दा महीना तुर गया है यकदम साडे कोलों रात दे साढ़े ग्यारह बजे रमजान जुदाइयां दे गया है अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा मां जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु तआला नर्द करदियां ने महबूबा क्या लैल अगर मैनू मुकद्दर अंदर लैला तुल कदर आ जाए ते नाता कोलों की मंगिया करा फरमाया मेरी प्यारी आयश क्या करना अल्लाहुम्मा इन्नका अफून करीम तुहिब्बुल अफवा फाफूनी अल्लाह मैं तेरी बंदी दिया अल्लाह मैं तेरे को माफी मंगनी दिया माफी तेनू पसंद दिए ते मैनू माफ फरमा दे तू भी माफी मंगया कर इंज आख्या कर मैं ता माफी दा मौला तलबगार हाँ मैं ता माफी दा मौला तलबगार हाँ मैं गुनाहगार हाँ मैं गुनाहगार हाँ तू है मौला गफूर रहीम बड़ा नते करते करम तू करीमे बड़ा नते करते करम तू करीमे बड़ा मेरी बख्शिश जा कर मेरी बख्शिश जा कर मैं खताकार हाँ मैं गुनाहगार हाँ मैं गुनाहगार हाँ मैं ता माफी दा मौला तलबगार हाँ मैं गुनाहगार हाँ मैं गुनाहगार हाँ अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना अल्लाह ते दीवकार गौर कर दे जाना दरा अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब कुरान पाक अंदर बंदियां दो वादे कीते ने दो वादे पक्के वादे सच्चे वादे एक सौ दस फीसद दुरुस्त वादे मेरिया गल सुन लै मैं वादा खिलाफी कर सकना तुसी वादा खिलाफी कर सकते हो कर सकते नहीं बल्कि असी करने हैं है? असी कहने वो कर्ज ही क्या जो अदा हो गया वो वादा ही क्या जो वफा हो गया असी तो हर वादा ही झूठा है वेखे ना साढ़े जेडे बेली ने साढ़े बेली इलेक्शन वाले कोई थोड़े वादे कर देने बड़े वादे के मैं पैरिस बना देंगा मैं लंदन बना देंगा तो बस फिर वादे ही वादे सिर्फ जबान दियाँ गल्लां वो कहते हैं कोई बादशाह सी ना तो बादशाह आपकी कुर्सी सदारत बैठा है एक शायर आ उस शायर ने बादशाह की अजमत अंदर शेर पढ़िया बादशाह बड़ा वाह भाई वाह इनू इनू दस दिनार इनाम दे दियो उन्हें आख्या ला भी गल बनती पी पैसे लभ दे उन्हें एक होर वो अजमत शेर पढ़िया उन्हें आख्या बल्ले बल्ले इनू भी दिनार इनाम दे उन्हें एक होर पढ़ना तीह दे दो उन्हें होर पढ़िया चाली दे दो होर पढ़िया पचास दे दो वह मजलस बर्खास्त हो गई तो हुण जिहड़ा शायर है ना वह बेचारा खजानची दे मगर मगर वो जी मेरे पजा दिनार मैं तरीफा कीतियां बादशाह दियां वह कहिंदा अज लै ला कल लै ला परसों हफ्ता गुजर गया हफ्ता खजल होने तो बाद दोबारा फिर बादशाह दे कोल आया कहन लगा जी मैनू पछाणिया मैं कौन है मैं तो नहीं पछाणिया तू कौन उन्हें जी पिछले साल है पिछले हफ्ते तुहाडी तरीफ दे पड़ोल नहीं बनता रहा मैं ते अच्छा फिर क्या उन्हें जी तुसीं आख्या दस दिनार भी दिनार पच्ची पचास दिनार ते मैनू ते लभे कोई नहीं मैं ते खजानची दे मगर खप खप के ते हुण दोबारा तुहाडे कोल उन्हें कमलिया तुम्हें सानू जबान चो राजी किया असी भी तेन जबान चो राजी कर लभदा की है
लभदा पिया तो की लभना, चल लगा बुढ़ा खा। है तुसी भी जबान च नारे ला छड़ दे, वह भी बेली जबान च ही कर रहा है। ये साडे वादे ने वो कर ही क्या जो अदा हो गया, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। लेकिन अल्लाह पाक दा वादा पक्का वादा, अल्लाह पाक दा वादा सच्चा वादा। अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब अंदर दो वादे किए ने साडे नाल, दो वादे केड़े केड़े वादे? फरमाया बमा कान अल्लाह युअज़्ज़िबहु वअंत फीहिम, वमा कान अल्लाह युअज़्ज़िबहु वहुम यस्तग़फिरून। फरमाया मेरिया सोनिया नबिया, जिथे तू आप मौजूद होवे, जिथे तेरी जात पाक मौजूद होवे, मैं रब दा वादा है जिथे तू होएगा उथे अदाब नहीं आएगा, जिथे तू होएगा उथे मेरे अदाब दे बादल नहीं गरजणगे, जिथे तू होएगा उथे मेरे अदाब दा कोड़ा नहीं बरसेगा, जिथे तू होएगा उथे मैं अपनी आफतां ते अदाब नादल नहीं करांगा। ते दूसरा वादा अल्लाह फरमांदे ने वमा कान दस्तखत करवा, मैं ता खां अदालत लै जा, मैं ता खां मेरे रब दा वादा वमा कान अल्लाह फिरून। पर मैं जिस कौम के बच्चे इस्तगफार कर, जिस कौम के बूढ़े इस्तगफार कर, जिस कौम के जवान इस्तगफार कर, जिस कौम दियां बीवियां इस्तगफार कर लग जान, मैं रब दा वादा है मैं उस कौम ते कदी अपना दाब नादल नहीं करदा। अल्लाह अल्लाह बह जाओ कट्ठे ही दे दियो, कट्ठे ही दे दियो। अच्छा बह जाओ तशरीफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना जरा। फरमाया जिस कौम के लोग इस्तगफार करनगे उस कौम उत्ते साडा दाब नहीं आएगा। पीर जी इस्तगफार लाजम कर लो, पीर जी इस्तगफार को अपना दौड़ना बिछौना बना लो, उठदियां बैठदियां इस्तगफार करिया कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावां, नेकियां जिन्नियां कर लो ओनियां थोड़ियां, जिन्ना रब नूं मना लो उन्ना थोड़ा, जिन्ना इस्तगफार कर लो उन्ना थोड़ा। पर जिंदगी का किहड़ा पता है किहड़े वेले मुक जाणी है वीर जी, किहड़े पता है किहड़े वेले फौत हो जाणा है, किहड़े वेले जहान छड्ड के चले जाणा है। असी लगियां पैसियां मगर, असी लगियां दौलतां मगर, रुपये कमा लो पैसे कमा लो, पर पैसे किथे ले जाने कमलिया। अच्छा मैं एक गल समझ नहीं आती, बंदे बड़े पैसे कमाते ने, बड़े पैसे कमाते ने, कोई पैसे कमा कमा के लखपति बन जाता है, कोई पैसे कमा कमा के अरबपति बन जाता है, कोई पैसे कमा कमा के करोड़पति बन जाता है, फिर घूमन वाली कुर्सी से बह के ए सी के थले बह के ते फखर नाल कहिंदा है हुण मैं इन्ने पैसे कमा लेने, अगर मैं मर भी जावा तो मेरे मरण तो बाद मेरी औलाद ऐश करेगी, ते साडे मरण तो बाद साडी औलाद ऐश नहीं करदी बल्कि अयाशी करदी है, साडी औलाद अयाशी करदी है। पैसे कमाए असी हुंदे ने साडियां पैसियां दियां कुड़ियां बैठकां च बुला के बलकारियां सारियां करदियां ने साडियां औलादां, ते कब्र च छिद्र सानू पैंदे ने। कमाई जो सी करके दे के गए होने, पढ़ा के जो सी दे के गए होने। अल्लाह दे बंदिया मैं तेनू अज एक गल दसना चाहना वा, अपनी औलादा पिछे ना लग्या कर, ए ना आखिया कर मेरी औलाद कर देगी, मेरे जान तो बाद मेरी औलाद ने की करेगी, मैनू अजर मिलेगा। अजकल दियां औलादा इतनियां कोई नहीं, अजकल दियां औलादा बड़ियां बिगड़ियां हुई ने, पता नहीं तेरे मरम तो बाद ना कोई की करनी के नहीं करनी। इस वास्ते वीर जी अपनी जिंदगी च नेकियां कर जा, अपनी जिंदगी च नेकियां कर जा, ते नेकियां विचों सब तो वड्डियां नेकियां ओ ने जिहड़ियां नेकियां मुकदियां कोई नहीं, जिहड़ियां नेकियां मरदियां कोई नहीं, जिहड़ियां नेकियां खत्म होंदियां कोई नहीं, ओह कहिड़ियां नेकियां ने? अल्लाह ते दी वकार, जिहड़ियां नेकियां नहीं मरदियां उहनां नेकियां दे विचों सब तो वड्डी नेकी मस्जिद है। मस्जिद इंज दी नेकी है मरदी कोई नहीं, मस्जिद इंज दी नेकी है मिटदी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं ना ए रमजान के शुरू अंदर तकरीर करन गया जे किला दीदार सिंह, किसी ने वेख्या किला दीदार सिंह?
चलो जी ने वेख्या ठीक है, नहीं वेख्या मैनू वेख लो, मैं वेख्या है, मैं किला दीदार सिंह वेख्या है, मैं तकरीर करन गया किला दीदार सिंह, मैनू ना उत्थे एक जिस मस्जिद में मैं तकरीर की दर्श दिता उस मस्जिद के कारी साहब ने गल सुनाई, वो कहते जी मस्जिद अंदर तुम तकरीर कर रहे हो खिताब कर रहे हो ना, इस मस्जिद की असी जगह लै ली, तो जगह लै के जो असी मस्जिद लगे बना, मस्जिद बना लगे तो साढ़े को मस्जिद बना दे पैसे कोई नहीं, पैसे कोई नहीं जान, असी बंदा लभन लग पै को बंदा लभ जा मस्जिद बना दे, एक बंदे का पता लगा बड़ा अमीर बंदा है दौलतमंद बंदा है, और बंदा कहता मैं मस्जिद बना देंगा, अल्लाह असी को चले गए तो को जाके असी आख्या जी मस्जिद बना दे सानू, वो कहता जी मैं बिल्कुल तुम मस्जिद बना के देंगा, एक रौला है वे मैं अपने दिल की पैबंद कारी करवा वास्ते इंडिया जाता पिया, अगले हफ्ते में इंडिया चले जाना है, ते इस हफ्ते के बीच बीच मैं तुहाडी मस्जिद का काम शुरू करवावांगा, ते अगले हफ्ते मैं इंडिया चला जावांगा, तुसीं चले जाओ हफ्ते के बीच बीच काम शुरू हो जाएगा। वो कहता जी असीं वापस आ गए, एक पूरा हफ्ता गुजर गया, ना फोन आया ना बंदा आया ना तामन आया, वो कहता मैं एहतियात अगले दिन हफ्ते तो अगले दिन फोन किया, फोन उसके बेटे ने चुकिया, सलाम दुआ हुई हाल चाल होया, मैं आख्या जी तुहाडे वाल सामने साढ़े नज करके वादा किया मस्जिद का, कितने ने जरा अपने वाल साहब नाल गल कराउणा, वो कहिंदा है अब्बा जी ते कल दे फौत हो गए ने, अब्बा जी ते कल दे दुनिया तो टुर गए ने, अब्बा जी ते फौत हो गए ने दुनिया तो चले गए ने, वो कहता मैं अगली गल करना पसंद ना की फौत की दा मौका, पर मंदे ने दो चार बंदे लैके असी अफसोस करन वास्ते चले गए उस मुकाम ते, अफसोस किया ते नाले उहदे बेटे नूं याद दिलाया कि तेरे बाल साहब ने जी करके साडे नाल वादा किया सी ना, अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावां, वो कहता जी क्यों नहीं मेरे अब्बा जी ने वादा किया मैं जरूर पूरा करांगा, तुसी जाओ मैं कल ही तुहाडे वल आ जाना या फोन कर देना, पर मंद ने असी आ गए ना फोन आया ना को बंदा आया ना को तावन आया, मस्जिद बन गई कंप्लीट हो गई, हो ही जानी सी मस्जिद रही कोई नहीं, अल्लाह दे घर रुकदे कोई नहीं, अल्लाह दे घर बन जाते नहीं, लेकिन गल ये भी मालक जिहदा पैसा पसंद करन उहदा पैसे अपने घर ते लगांदे ने, पैसा मालिक पसंद न करते नहीं लगाते, वो कहता जी मस्जिद असी आप बना ली, लेकिन अज तक उधरों फोन तक नहीं आया, हुण चार जीड़ी दिया दोस्तां मैं तेरे को पुछना, अगर वो आप जिंदा हुंदा दसना मस्जिद बनांदा कि ना बनांदा, वो मस्जिद जरूर बनांदा लेकिन औलाद ते सुट गया है, औलादां कदों नेकियां कीतियां, औलादां कदों मस्जिदां बनाईयां, इस वास्ते अल्लाह दे सामने ओ नेकियां करिया कर, इस्तगफार नाल नेकियां बढ़दियां ने, ते मस्जिद इंज दी नेकी ए जिहड़ी नेकी मिटदी कोई नहीं, मस्जिद बना जाओ, मस्जिद नहीं बना सकदा ते वजूखाना बना जाओ, वजूखाना नहीं बना सकदा ते कम से कम एक दरवाजा लगा जाओ, एक दरवाजा नहीं लगा सकदा ते कम से कम मस्जिद के अंदर एक मसले की जगह दे जा, क्यों किस वास्ते कदी गौर करया करना, जिनी जगह ते खलो के बंदा नमाज पढ़ता है कबर विच भी बंदे नूं इन्नी जगह मिलती है, कबर अंदर इस तो ज्यादा जगह नहीं मिलती, ये समझ क्यों नहीं जगह खरीद करके दे दिया कर, अल्लाह ऐ मैनू कबर की जगह जड़ी मिलनी है ना, मैं ओदे बदले दे विच जगह दे दित्ती है, मेरा ईमान है जिनी देर तक उत्थे खलो के नमाजी नमाज पढ़ता रहेगा तेरी कबर में एसी चलता रहेगा, तेरी कबर अंदर एयर कूलर चलता रहेगा, अल्लाह अकबर अल्लाह गल रब्बों आ गई, ये भी गल सुनी लो, अल्लाह जड़ी मस्जिद नबवी है ना, मस्जिद नबवी की जगह सब तो पहला हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद के दिती, हवाला बुखारी सही उल बुखारी में लिखा है, ये यतीमों की जगह थी, यतीमों को पैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिए थे, सही अल बुखारी में है, अल्लाह पाक तेनु मदीने लै जाओ ची आमीन आखो, जाना दे के नहीं जाना, अल्लाह अल्लाह मक्के भी लै जाए मदीने भी लै जाए,
अल्लाह अल्लाह किड्डा सोना अल्लाह पाक दा दोबारा ते जिन्नों सारा जग वेखदा है साडा ओदे बिना हुंदा नहीं गुजारा ते जिन्नों सारा जग वेखदा है दूरों 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 मक्की अंदर दूरों दूरों चल के ते लोग बड़े आए ने अल्लाह दिया रहमतां ने कीते होए साए ने अल्लाह सानू भी दिखा दे दोबारा ते जिन्नों सारा जग वेखदा है अल्लाह को अकबर ला अल्लाह तेनू मक्के लै जाए अल्लाह तेनू मदीने लै जाए ते जदो तू मदीने जा रहा है मदीने जा मदीने पहुंच के कोशिश करके मदीने दा पटवार खाना लब मदीने दा पटवार खाना लब के ते मदीने दे पटवारी नू मिल मदीने दे पटवारी नू मिल के कह मैनू मस्जिद नबी दी फर्द बखाना अज भी मस्जिद नबी दी फर्द उत्ते नाम मेरे अबू बकर दा लिखिया है अज भी उस फर्द उत्ते नाम मेरे अबू बकर दा लिखिया है बंदे मर जांदे ने नेकियां नहीं मरदियां बंदे मुक जांदे ने नेकियां नहीं मुकदियां बंदे खत्म हो जांदे ने नेकियां खत्म नहीं होंदियां बंदे मिट जांदे ने नेकियां नहीं मिटदियां पेटीएम दा कार्ड मुक जांदा है लेकिन मस्जिद वाला अकाउंट बंदे दा कदी बंद नहीं हुंदा अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावां जनाबे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक दिन गुजरे जा रहे ने मदीने दे बाजार अंदर आप मस्जिद दे कोलों दी गुजरे ते मस्जिद दे विच जगमगां दियां लाइटां चल रहियां सन पुराने दौर दे चिराग जल रहे लाइटां चल रहियां ते रोशनी मस्जिद दियां विंडो दे विचों अलमारियां ते विचों बाजार विच आंदी पई सी ना ते सैयदना हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद दे विचों जिहड़ी लाइट बाहर आंदी पई सी ना उस रोशनी दे विच खलो गए ते खलो के आसमान वल मुंह करके फरमांदे अल्लाह 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 जिन्ने तेरे घर रोशन कीते ने तोदी कब्र रोशन फरमा दे ते साथी कहंदे ने अली जी ए केड़ा खुश नसीब बंदा है जिन्ने अल्लाह दा घर रोशन कीता है ते मौला अली फरमांदे ने तुहानू नहीं पता सब तो पहला मस्जिदां दे विच लाइटिंग दा इंतजाम जनाबे उमर ने करवाया है सब तो पहला मस्जिदां दे अंदर लाइट हजरत उमर ने लगवाइया हजरत उमर ने अपने दौर के अंदर मदीने दिया मस्जिदों में चिरागों का इंतजाम किया फरमाया मस्जिदा रोशन होनी चाहिए ने मस्जिद चमकनिया चाहिए ने मेरा कीदा ते मेरा ईमान है और जिन्हें मेरे प्यारे उमर ने मस्जिद चमकाइया ने कयामत तक मेरी उमर की कबर भी चमक रही है चली गई और मुकाम सुनी अल्लाह दे कुरान दा मेरी और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसियां दो बातें सुनो कर मुकाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे रहे मन लाज़िम अलिस्तिग़फ़ारा मन लाज़िम अलिस्तिग़फ़ारा जिहड़ा बंदा अपने आप ते इस्तिग़फ़ार लाज़िम कर लैंदा है हर वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़दा है अल्लाह दे ते तीन नाम करदा है जअल अल्लाहु लहु मिन कुल्ली ज़िक़्रिन मख़राजा अल्लाह हर तंगी चो निकलन दा रस्ता बना दिंदा है व मिन कुल्ली हम्मिन फ़राजा अल्लाह दे गम दूर कर दिंदा है व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिबे अल्लाह रिज़्क उत्थों दिंदा है जिथों बंदे दा वहमो गुमान भी नहीं होया करदा हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया आके कहने लगा मेरे पास औलाद नहीं है फरमाया इस्तिग़फ़ार करो एक और शख्स आया अल्लाह के प्यारे
सारे बंदे, मेरे घर में बरकत नहीं है, माल मवेशी में बरकत नहीं है, फरमाए इस्तगफार करो। एक और आया, हमारे इलाके में बारिश नहीं होती, फरमाए इस्तगफार करो। एक और आया, हमारी फसल नहीं होती, फरमाए इस्तगफार करो। शागिर्द कहन लगा, इमाम साहब आज त्यार बंदे नु इस्तगफार ही दसी जांदे हो, हर इलाज दस दिल इस्तगफार नाल करदे पए हो। फरमाया मैं नहीं दसदा पिया, अल्लाह दसदा पिया है। अल्लाह फरमांदे ने फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम, एक कम फायदे पंज, एक कम फायदे फायदे पंज केड़े केड़े। फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफारा, इस्तगफार करोगे की होएगा, युर्सिल समालैकुम मिदरारा, आसमान तो बारिशाना जरूर किया। मिदरार उस बारिश को कहा जाता है जो बारिश पर वक्त आए, मिदरार उस बारिश को कहा जाता है जो बारिश काश्तकारों के लिए नफा बख्श हो, मिदरार उस बारिश को कहा जाता है जिस बारिश का एक फीसद भी नुकसान ना हो, फायदा ही फायदा हो। फरमाया युर्सिल अगर तुसी इस्तगफार करोगे असी तुहाडे माल च बरकत पा देवांगे, बाबा नीना तुहानू बेटी अता कर देवांगे। है को मेरी मजलिस अंदर बे औलाद बैठा, है को बंदा बे औलाद बैठा, उन्हें बड़े बड़े टीके अजमाल है, बड़े बड़े हकीम अजमाल है, कोई हकीम नहीं छड़िया, कोई कुश्ता नहीं छड़िया, ते कोई उन्हें रौले नहीं छड़े, ते कोई उन्हें पंजीरियां नहीं छड़िया। हत्ता के बस विच खलो के वेचण वाला फकी 50 रुपया की फकी वेचदा है, वह भी कहता जी मैनू अजमाल हो, कोई उन्होंने भी तो अजमाल है, जहाँ 50 रुपया वाले अज अल्लाह के कुरान में भी अजमा, जे तेरे को औलाद कोई नहीं मैं लिख के देने तैयार हाँ। इस्तगफार तू शुरू कर, जे अल्लाह तेनू औलाद ना देवे मैं मिंबर ते चढ़ना छड़ दिया। कदी फलाने पीर कोल, कदी फलाने पीर कोल, कोई कहिंदा कुकी दा खून लैके आ, कोई कहिंदा चाम चढ़िक दा पर लैके आ, कोई कहिंदा उल्लू दा पर लैके आ, कोई कहिंदा इस तवीर ते उत्ते बह जा, कोई कहिंदा इस तवीर दे थले बह जा, कोई केड़ा रौला कोई केड़ा रौला। हर पुठे पुठे पंगे अजमाई फिरने, रब दा कुरान अजमा। फरमाया फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफारा युर्सिल समा अलैकुम मिदरारा वयुम्दिदकुम बिअम्वालिन वबनीना, बेटे दियांगे। अल्लाह फरमांदे ने बेटी अता करांगे, ते अगे की आखिया है वाया जा अल्लाकुम जन्नात, फरमाया तुसी इस्तगफार करोगे तुहाडी मूंजी चंगी होएगी, इस्तगफार करोगे गंदम चंगी होएगी, इस्तगफार करोगे कमाद चंगा होएगा, इस्तगफार करोगे तुहाडियां सब्जियां चंगियां होणगियां। इस्तगफार नहीं डीएपी समझ लै, इस्तगफार नहीं सोना यूरिया समझ लै, इस्तगफार नहीं खाता समझ लै, और इस्तगफार नहीं डबल डिस्क समझ लै। इस्तगफार करदा जा, रब तेरियां खेतियां बरकतां पाएगा। भाइया जा अल्लाह को मनहारा, रब तेरियां लहरां विच पानी पैदा कर देगा। इस्तगफार एडी वड्डी दौलत है, इस्तगफार एडा वड्डा इनाम है। अल्लाह अकबर अल्लाह, मैनू तू एक गल दस, वो दुनिया ते केड़ा बंदा है जिहड़ा एडी वड्डी ऑफर देवे, कोई दुनिया ते जिहदी अदालत बखा, दुनिया से इंज की अदालत बखा के तू गाला कटे, तो कवे नहीं मैंने दुआवां दित्तियां ने, कोई इंज की अदालत बखा तू कतल कर दे, में अदालत लिखे ने कतल नहीं किया, इन्हें एक बंदे की जान बचाई है। और दुनिया से कोई इंज की अदालत बखा तू चोरी करे, लिखा जाए ने चोरी नहीं की, इन्हें एक गरीब की मदद की है। और तू जना करे, लिखा जाए ने जना नहीं किया, इन्हें एक की इज्जत बचाई है। दुनिया से कोई ऐसी अदालत नहीं, दुनिया से कोई इंज का पैकेज नहीं, दुनिया से कोई इंज का दसूर नहीं, दुनिया से कोई इंज का कानून नहीं। अल्लाह की कसम है, आसमान दा रब फरमांदा है 70 का बुढ़ा बाबा गुनाह कर कर के थक जावे, थक जावे, हाथ जड गोरा फड़ के साढ़े बुबे आ जावे, आके इस्तगफार कर ले, पहले गुनाहों का इतराफ करे,
आइंदा ना करन दा वादा कर दे वे मैं 70 साल दे गुनाहां नूं नेकियां बढ़ा छड्डांगा। कौन देंदा एडियां वड्डियां वड्डियां ऑफरां? और कौन इंज दा बादशाह है करो गुनाह बनावे नेकियां? ए कोई ते लभदा किहदे नाल? इस्तगफार नाल। इस्तगफार ओह दौलत है जिहदे नाल गुनाह करिए ते नेकी बन जांदी। इस वास्ते अपने आप से इस्तगफार लाजम कर लो। मन नदी मन इस्तगफार आओ। इस्तगफार लाजम करने वाला बंदा भुखा नहीं मरता। इस्तगफार लाजम करने वाला बंदा मुसीबत नहीं खाता। इस वास्ते आज की गुफ्तगू का एको पैगाम, हर वक्त इस्तगफार करो, हर वक्त इस्तगफार करो। हदीसे पाक अंदर आंदा है, औरतां मेरिया मावं बहनां भी आईया होणगियां। एक औरत नबी पाक को आई, अर्ज कर दी, अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैं की पढ़िया करां? फिर मैं तू अल्लाह अकबर पढ़िया कर। या रसूला मैं अल्लाह अकबर पढ़ांगा तो अल्लाह की अगो अल्लाह जवाब अंदर की कहणगे? देखो ना, कई बीबियां माशाल्लाह बड़ियां अकलमंद होंदियां ने, कई सियाणियां होंदियां ने, तो कई एडियां कौड़ियां ने इस्लामाबाद के रोड़ां ते चढ़ियां कर बेवकूफ जो होईयां, तो कई अकलमंद सियाणियां होंदी। या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह अकबर कहांगी तो अगो अल्लाह की कहेगा? ते नबी पाक फरमांदे ने, अल्लाह फरमाएगा हा जाली, मेरी बंदी ने मैनू तोहफा दिता है। अच्छा या रसूल अल्लाह होर की गवां? फरमाए सुबहान अल्लाह क्या कर? या अल्लाह ऐ अल्लाह दे रसूल मैं सुबहान अल्लाह कहांगी ते अगों अल्लाह की कहेगा? ते नबी पाक फरमांदे ने, अल्लाह फरमाएगा हा जाली, ए भी मेरी बंदी वालों मैनू हिदायत दिया है। नबी पाक ने कहा दी महबूबा मैं फिर की कहां? फरमाया बीबी आख्या कर अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ते महबूबा मैं अस्तगफार सुन लै, टक लगन लगाई गल मुकन लगी हो। ते मेरे नबी पाक ने कर दी महबूब अगर मैं अस्तगफिरुल्लाह कहांगी ते अल्लाह की कह? मेरे नबी पाक फरमाते ने बीबी अगर तू 10 वरी कहेंगी अल्लाह अकबर, अल्लाह एक वरी फरमान के हादाली। अगर तू 10 वरी कहेंगी सुबहान अल्लाह, अल्लाह एक वरी फरमान के हादाली। ते जदो तू 10 वरी कहेंगी अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैनू माफ कर दे, अल्लाह भी 10 वरी फरमान के जा मेरी बंदी मैं तेनू माफ कर दिता है। सुबहान अल्लाह। तू 10 वरी कह रब 10 वरी जवाब दे, तू 20 वरी कह रब 20 वरी जवाब। कितना अजीम शान है अल्लाह, मैनू और तुहानू इस्तगफार करन दी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।